हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये आज की पहली जो वीडियो है ये लिटिल मोर अबाउट नेमिंग। अब सबसे पहले आपको दो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेकंड पोजीशन पे, पहले तो ये देख लीजिए ये डैशेस जो है ना ये एच हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एच 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 सब जगह, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C5H12, राइट। अगर अब मैं इस पर रूल्स अप्लाई करूँ, सबसे पहला उसूल क्या है मेरे पास, सेलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, राइट। मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड समथिंग दैट इज लेफ्ट आउटसाइड दैट इज अ ब्रांच, ओके। तो अब पोजिशनिंग ब्रांच के हिसाब से होगी कि ब्रांच किस तरफ से करीब है। तो अगर इस टर्मिनल से करीब है तो मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगा, कार्बन 1, 2, 3, 4। सो दिस विल बी 2-methyl। कार्बन चेन में कितने हैं, 4 ब्यूट और कोई डबल बॉन्ड नहीं, ब्यूटेन, 2-methyl ब्यूटेन। जबकि इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें भी सेलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पोजिशनिंग शुड बी डन फ्रॉम वेयर द ब्रांच इज क्लोजर। यहां पर भी ब्रांच किस टाइप की है, मिथाइल टाइप की, एक कार्बन की, तो मैं इसका नाम भी क्या लिखूं, 2-methyl ब्यूटेन। तो दिखने में ये थोड़े मुख्तलिफ लग रहे थे, लेकिन जब मैंने नेमिंग की दोनों की तो दोनों मुझे एक ही जैसे नाम देने वाले लगने लगे। अब यहाँ पे एक बात जहन में रखनी है कि दो स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट शेप के नज़र आ रहे हैं लेकिन उनका नाम सेम है, तो ये एक दूसरे के लिए कॉमन स्ट्रक्चर हैं जिसको अभी थोड़ी देर में एलैबोरेट किया जाएगा। अब इधर आइए, ये स्ट्रक्चर मेरे पास है, मैंने हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ किया क्योंकि दिस कैन बी हैक्टिक फॉर यू बार बार हाइड्रोजन ड्रॉ करें। तो ये मेरे पास सेलेक्टेड चेन, इस चेन में टोटल कार्बन जितने थे सबके सब चेन में आ गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इसी कॉर्नर से क्यों नंबरिंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि अटैच ग्रुप इस टर्मिनल से करीब है, ये रिएक्टिव ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड से करीब था तो मैंने यहाँ से इसकी नंबरिंग की, तो इसका नाम क्या होगा, क्या कोई मिथाइल इथाइल क्लोरो ब्रोमो ग्रुप मौजूद है, नहीं, मैं लिखूंगा पेंटेन टू ऑल। इसका नाम क्या होगा, पेंटेन टू ऑल, यानी पेंटेन के, पेंटेन चेन के सेकंड पोजीशन पर ऑल ग्रुप मौजूद है। जबकि इसमें अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, सिलेक्शन यही है, 1, 2, 3, 4, 5, सो दिस विल बी पेंटेन 3 ऑल। इसका मतलब दीज आर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर मैं पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल, दोनों की पोजीशन का फ़र्क है, पोजीशन का फ़र्क है, तो यकीनन ये एक दूसरे के कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है। अब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ इस चेन की, देखो एग्जामिनर जैसा भी स्ट्रक्चर बना के दे, इट्स योर क्वालिटी टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन, 1, 2, 3, 4। सो दिस विल बी 2-bromo-butane, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूट कोई डबल बॉन्ड नहीं, एन। और इसी के साथ अब ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, पोजिशनिंग करें 1, 2, 3, 4, तो ये बन जाएगा 2-bromo-butane। तो अगर आप दोनों स्ट्रक्चर को साथ देखें तो ये दोनों आपको 2-bromo-butane नज़र आ रहे हैं, राइट। दैट्स हाउ हमने नेमिंग के कुछ कंटेंट को रीकैप किया, आगे कुछ और वीडियोस आपके लिए भेज रहा हूँ।